चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बाढ़ का हेलीकॉप्टर व्यू। नेताजी लोग, जितने लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करके बाढ़ को देख रहे हैं, उनको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा पूरा बिहार में बाढ़ का स्थिति। लेकिन जो नहीं दिख रहा होगा वो ये वीडियो है। अरे भैया, हम लिख के देते हैं, नेताजी लोगों का नजर यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। आंख खोल के देखो इस वीडियो में किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची बाढ़ से लड़ने का कोशिश कर रही है और कोसी के कहर को हराने का भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं लड़ पाई उससे। आजकल हिंदुत्व और गाय का नाम लेके कितना चोर चट्टा सब जो है वो नेता बन गया, बड़का बड़का पैसा वाला बन गया, लेकिन गाय से असली प्रेम क्या होता है वो आप इस वीडियो में देखो। इसमें महिला कह रही है कि नहीं पुलिस महोदय, हमको रेस्क्यू करके यहाँ से मत निकालिए, हमारा गाय क्या खाएगा, हमारा गाय हमारे बिना कैसे रहेगा, हम पानी में रह लेंगे, हमारे एक गाय के साथ हमको रहने दीजिए। तुम क्यों नहीं आ रही हो? अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं भैया, नहीं जाएगा। हाँ अरे ऐसे नहीं रहते, चलो यहाँ कहाँ रहोगे, पानी भरा हुआ है, जावे जा नहीं रहे गाय के चक्कर में। इतना ही नहीं, इस वाले वीडियो को भी देखिए और समझने का कोशिश कीजिए इस औरत के शरीर पे क्या पीड़ा बीत रहा होगा। यहाँ दो मंजिला मकान था ना? दो मंजिला, एक मकान पूरा भस गया, पूरा 16 मकान। हेलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इस अतुल की वो कहानी जिसको सुनने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ये दलित परिवार से आने वाले अतुल हैं, इन्होंने जेईई एडवांस जो है वो क्लियर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से और इनको आईआईटी धनबाद में कॉलेज मिल गया था। लेकिन दोस्त, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि अतुल को एडमिशन करवाने के चाहिए था 17,500 रुपया। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, एक गरीब दलित परिवार में 17,500 रुपया कितना बड़ा रकम होता है, लेकिन अतुल और अतुल के घर वाले मिलकर पूरा अपना जान झोंक देते हैं और 17,500 रुपया का इंतजाम तो कर देते हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि जिस साइट पे 17,500 रुपया जमा करके अतुल का एडमिशन होगा वो साइट अपने समय पे बंद हो गया और उचित समय पे जो है वो अतुल पैसा इंतजाम नहीं कर पाए, जिसके वजह से उनका एडमिशन अब नहीं हो सकता है। दोस्त, फिर ये मामला डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास पहुंचा जो मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस तरीके के प्रतिभाशाली लड़कों को इस तरीके से जाने नहीं दे सकते हैं और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इस लड़का का एडमिशन होगा और लड़के को कहा ऑल द बेस्ट, खूब नाम कीजिए। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पप्पू यादव के बारे में। यार किस मिट्टी से बना है ये इंसान? नहीं, आप खुद देखो ना, पूरे बिहार में 39 सांसद हैं, 247 विधायक हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बाढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो वो पप्पू यादव। बाढ़ में बुलेट से लोगों को पैसा बांट रहे हैं तो पप्पू यादव, बाढ़ पीड़ितों के साथ खाना खा रहे हैं तो वो है पप्पू यादव। इतना ही नहीं, पटना में हो, कोरोना में हो या फिर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो जाए उसमें पप्पू यादव। जरा कल्पना कीजिए कि इस तरीके से 39 सांसद और 247 विधायक अगर बिहार में बाढ़ पीड़ितों का मदद कर रहे होते तो आज बिहार में कोई आदमी जो है वो परेशान नहीं होता। लेकिन कुछ ही नेता इस तरीके से मदद करते हैं जिनके बारे में बात करना चाहिए, और ऐसे ऐसे नेता के लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। तो चलो दबाओ लाइक का बटन। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं जल प्रलय का नया कारनामा। होता यह है, बेगूसराय के बच्चे जो है वो इस बाढ़ में भी पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक हैं, जुझारू हैं, और वो चले जाते हैं नाव में बैठ के स्कूल की ओर, और बीच रास्ते में ही 25 बच्चों से भरा हुआ नाव जो है वो पलट जाता है। वो तो गनीमत हो कि गांव वाले उस पलटते हुए नाव को देख लेते हैं और जल्दी जल्दी दौड़ के जाते हैं और उस नाव में बच्चे सभी को बचा लेते हैं और उससे जीवन बच जाती है। मतलब समझ रहे हैं किस तरीके से किस गर्त में चला गया है बिहार, किस तरीके से बाढ़ जो है वो बार बार हमारे प्राण पे हमला करता है ताकि बिहार जो है वो हमेशा गरीब राज रहे। अरे कैसे नहीं होगा गरीब भाई, हर साल हम लोगों को शुरू से शुरू करना पड़ता है, इसलिए हम गरीब हैं। और ये नेता लोग, सॉल्यूशन करो यार जल्दी से इसे। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इन फर्जी आईपीएस जी का वेलकम। कल वाले वीडियो में बताया था ना, इनका फिल्म आने वाला है। अरे आ गया फिल्म, देखो तो सही। वाह 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 वाह, क्या वेलकम है, जबरदस्त। नहीं नहीं, क्या डिमोशन हुआ है भाई का। सबसे पहले तो ये फर्जी तरीके से आईपीएस बना, उसके बाद कहता है ना आईपीएस में अच्छा स्कोप नहीं है, हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर भी नहीं बना। कहा कि चलो वो सब तो ठीक है, फिल्में में कोशिश करते हैं, फिल्म तो निकालिए लेंगे। और उन सब के अपार सफलता के बाद भाई ने गाना रिलीज किया है। चलो भाई, वहां तक तो फिर भी ठीक था, अपने गाने में हनी सिंह को मात देने के लिए रैप भिगा दिए। चल जब शादी के तो भाई बड़ा दीवार,
ससुर भांगे कहले चाही आईपीएस मामा। भाई भाई बंद करो इसके गाने को, नहीं तो आंख में हार्पिक डाल के हम प्राण त्याग देंगे अपना। चलो दोस्त अब बात करते हैं पवन सिंह के नए नवीन गाने के बारे में। और पिछले वीडियो में तो हमने आपको बताया ही था कि किस तरीके से पवन सिंह का जो है वो एक करंट वाले गाने का शूट कंप्लीट हो चुका है और उस गाने का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। और इस गाने के बारे में आपको एक अंदर की खबर ये बता दें कि पिछले गाना में जो कसर रह गया था ना, वो सारा कसर पवन सिंह इस टी सीरीज के साथ आने वाले गाने में पूरा कर देंगे। इतना ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये गाना जो है वो वही स्टाइल में होगा जो पवन सिंह का कोर फैन बेस जो पसंद करता है, एकदम मतलब हारमोनियम पे एकदम मधुर आवाज में गाना, वही वाला सेम जो है वो टी सीरीज से आने वाला है। तो स्टे ट्यून, इस गाने को सुनने के लिए बहुत लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और हाँ हाँ, कल वाले वीडियो में बताया था ना कि पवन सिंह का जो है वो किंग खान यानी कि शाहरुख खान के साथ मीटिंग है उनके फिल्म किंग को लेके। तो हाँ, वो मीटिंग तो है ही, वो 2025 के ईद तक आएगा, तो वो छोटा सा कैजुअल मीटिंग होगा किंग के साथ। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ये है कि पवन सिंह का एक और गाना जो है वो राजकुमार राव के फिल्म में आ सकता है और वो फिल्म आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है पोस्टर, इस फिल्म में ही पवन सिंह का गाना आएगा। और आपको क्या लगता है, स्त्री 2 की तरह ये फिल्म भी उतना ज्यादा कमाल कर पाएगा पवन सिंह के वजह से? नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आपको अगर लगता है कर पाएगा तो यस लिखिएगा, अगर आपको लगता है नहीं यार हर बार लक थोड़े लग जाएगा तो नो लिखिएगा। चलो दोस्त अब बात करते हैं नील कमल सिंह के नए वाले रिकॉर्ड के बारे में। और आपको सच बता रहे हैं, भोजपुरी में तो कोई किया ही नहीं है पवन सिंह खेसारी लाल यादव, हिंदी में भी कोई नहीं किया है, साउथ में भी कोई नहीं किया, हॉलीवुड में भी कोई नहीं किया है। और वो है नील कमल सिंह का एक ऐसा गाना जिसपे सबसे ज्यादा रील बना है, और ये कहीं इधर उधर जाके नहीं, एकदम गुरु रंधावा के सामने जाके बताएं। और इस चीज को सुन के गुरु रंधावा भी शॉक्ड हो गए कि भाई कैसे भोजपुरी कलाकार हो भाई कि दुनिया में रिकॉर्ड बना दिए। जब पता चला कि इनकी रील नंबर 1 रील है दुनिया में जिसके ऊपर 11 मिलियन व्यूज है। सही कहते हैं लोग नील कमल सिंह को साइलेंट सुपरस्टार, साइलेंटली इतना बड़ा काम कर दिए हैं जिनका केहू के कल्पना नहीं किया जा सका। चलो दोस्त अब बात करते हैं अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के फैन के एक ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट के बारे में जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे है ये क्या है भाई, इस तरीके से अक्षरा सिंह को नहीं करना चाहिए। देखो हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। अक्षरा सिंह जो है वो आजमगढ़ गई हुई थी और वहां पे उनका फैन जो है वो पहुंच जाता है अक्षरा सिंह से फोटो लेने। फोटो लेने के दौरान वो अभी अभी इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन किया रहता है और अक्षरा सिंह से इंग्लिश में बतियाने का गुस्ताखी कर देता है। और फिर अक्षरा सिंह डर लेते हैं कि बेटे इधर आओ, क्या होता है आगे खुद देख लो। मैं अरे बेटा मुझे इंग्लिश में अभी क्या बोला, बोल टुगेदर पिक वन पिक पूरा लाइन बोलना, डर क्यों रहा है बोल अभी क्या बोली। खैर ये फैन और एक सुपरस्टार का नोकझोंक था, कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त अब बात करते हैं गोविंदा के बारे में। इनको गोली लग गया, जानते हुआ क्या, सुबह 5 बजे ये अपने किसी काम से निकल रहे थे और अपने पूरे लाव लश्कर को तैयार करते हैं और ये अपना पिस्टल जो है वो साफ ऑफ करते हुए अपने पास जैसे ही रखने जाते हैं तैसे ट्रिगर दब जाता है और उनके पैर में गोली लग जाता है। और फिर सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। फिर जल्दी जल्दी उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और वहां से उनको आईसीयू में रेफर कर दिया जाता है। और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोविंदा के पैर में से गोली निकाल लिया जाता है और डॉक्टर साहब जो है वो आश्वासन देते हैं कि अब गोविंदा बिल्कुल भी ठीक है और वो खतरे से बाहर है। इतना ही नहीं, आपको बता दे गोविंदा ने अपने फैंस के लिए एक ऑडियो भी जारी करके लोगों से क्या कहा, आप खुद सुन लो। सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। अब हम आपको दिखाते हैं स्मार्ट मीटर आंदोलन। इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1 तारीख से हम लोग स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन करेंगे और आज 1 तारीख है, आंदोलन शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आरजेडी के नेता जो है वो हथौड़ी से मीटर को फोड़ रहे हैं इस तरीके से करके। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये वीडियो देख के इंस्पायर नहीं हो जाना है कि मंत्री जी मीटर फोड़ रहे हैं तो हम भी लगे घन चलाने मीटर पे जहां दीवार पे लगा हुआ है, बिल्कुल मत कीजिएगा। बिजली विभाग के किसी भी सामान को क्षतिग्रस्त करना कानून अपराध है और इसके लिए आपको 2 साल तक सजा हो सकता है। तो भले उत्तम मंत्री जी हैं बच जाएंगे सोच पर भी लगा के, आप टंगा के चल जाइएगा भीतर, आंदोलन हो रहा है तो देखिए क्या होता है। सरकार दाम कम करेगा तो कम कीजिएगा, नहीं तो हाँका जाएगा बेना। देखो और सारे नेता लोगों को आप देखते होंगे हेलीकॉप्टर से मुआयना करके ऊपर से दूरबीन लगा के देख रहा है सब कि कहां कौन डूबा है, अंदर जाके देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन बात करें चिराग पासवान के बारे में तो ये खुद अपने पूरे लव लश्कर के साथ
ठेंगी पे सवार होके और पूरे ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों का दशा देख रहे हैं, क्या है, कैसे है और कैसे इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। इतना ही लोग लोगों को खाना भी बांटे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान ने सारे प्रशासन को ये नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि पशु का चारा का इंतजाम करवाइए या फिर अगर कोई पशु बहुत ज़्यादा पानी में फंस गया है तो उनको भी बाहर निकालने का पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन को ही करना है। तो ये चिराग पासवान ने बहुत बेहतर काम किया है ग्राउंड जीरो पे आकर। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा वायरल वीडियो जो जीवन का सीख दे देगा। बहुत सारे लोग, अगर आप फेल हो जाते हैं हल्का हल्का नंबर से तो लोग कहता होगा कि अरे फिर से मेहनत करो, फिर से सफल हो जाओगे, लेकिन सफलता के मुंह पे पहुंच के असफल होने का दर्द बहुत पीड़ा देता है और ये वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा।